What's up guys? कितने सालों से यार हम लोग बर्तन वगैरह सिर्फ हाथ से धोते आए हैं, लेकिन आज के जमाने में डिशवॉशर्स जैसी चीजें आ चुकी हैं जो कि आपके डिशेस वगैरह सब एक झटके में साफ कर देती हैं। आराम से बस उसके अंदर डाल दो और अपने आप सफाई हो जाएगी, बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह। वैसे ही मैं आपको बताऊंगा 5 बेस्ट डिशवॉशर्स जो आप खरीद सकते हैं 2023 में, और कमेंट्स में जरूर बताना कि कौन सा वाला आपके घर के लिए परफेक्ट था। तो डिशवॉशर्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बाइंग गाइड, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम कंसिडर करेंगे बिफोर बाइंग दीज डिशवॉशर्स। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम कंसिडर करेंगे बिफोर बाइंग दीज डिशवॉशर्स इज टाइप ऑफ डिशवॉशर्स। आखिर कौन से टाइप का डिशवॉशर्स आपको चाहिए? यार बहुत अलग अलग टाइप के डिशवॉशर्स आते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है बिल्ट इन डिशवॉशर्स। ये डिशवॉशर्स जनरली प्रीमियम कैटेगरी के हैं, जो कि जो ऑलरेडी प्रीमियम किचन्स होती हैं उनमें बने हुए आते हैं। जी हाँ, वहाँ पे डिशवॉशर्स अलग से ऐसे ड्रॉअर में इंस्टॉल्ड होते हैं और आपको कुछ नहीं करना होता, उसमें आप सामान रखना होता है और डिशवॉशर्स ऑटोमेटिकली डिशेस साफ कर देते हैं। दूसरे आते हैं कॉम्पैक्ट डिशवॉशर्स। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा होगा, कॉम्पैक्ट डिशवॉशर्स कॉम्पैक्ट होते हैं, छोटे होते हैं साइज में, लेकिन बहुत इफेक्टिव होते हैं और जनरली इंडियन हाउसहोल्ड के हिसाब से वो परफेक्टली सूटेड है। और ये कॉम्पैक्ट डिशवॉशर्स आप आराम से अपनी किचन वगैरह में रख सकते हैं और वहां पे आप अपने यूटेंसिल्स वगैरह डाल सकते हैं जो कि साफ होके आपको मिल जाएंगे। थर्ड टाइप का होता है ड्रॉअर डिशवॉशर। यार ये ड्रॉअर डिशवॉशर, जैसे कि आपको नाम से आइडिया लग रहा होगा, ये ऑलरेडी ड्रॉअर में बना हुआ आता है या फिर आप इंस्टॉल करवा सकते हैं अपनी ड्रॉअर में, और आप जैसे ही ड्रॉअर खींचेंगे तो उसमें आपको एक छोटा सा या बड़ा सा भी डिशवॉशर मिल जाता है। चौथा टाइप होता है पोर्टेबल डिशवॉशर। ये सबसे छोटा फॉर्म ऑफ डिशवॉशर होता है, लेकिन हाईली इफेक्टिव, क्योंकि आप इसे घर में कहीं भी कैरी कर सकते हैं। आप कहीं बाहर जा रहे हो बड़ी ट्रिप व्रिप के लिए तो भी आप इसे कहीं डिक्की वगैरह में रख के लेके जा सकते हैं। एज नेम सजेस्ट, ये एक पोर्टेबल तरह का डिशवॉशर है जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इन आर बाइंग गाइड वुड बी टाइप ऑफ क्लीनिंग। यार बहुत सारे डिशवॉशर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपके जो बर्तन है उनको धो के दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पूरे धो के सुखा के देते हैं। तो आपको अपने बजट और अपने कंसिडरेशन के हिसाब से देखना होगा कि आपको सिर्फ धोने वाले चाहिए या सुखाने वाले चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा बिफोर बाइंग डिशवॉशर्स। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारी बाइंग गाइड में होगा ईज ऑफ यूज। यस, यू हर्ड इट राइट। ईज ऑफ यूज में हम दो चीजें जनरली देखते हैं। एक देखते हैं स्पेस, कितना स्पेशियस है आपका डिशवॉशर, उसमें कितने बर्तन फिट आ सकते हैं, कितने कंपार्टमेंट्स हैं। एक तो ये एक फैक्टर है ही अपने घर के हिसाब से। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंट्रोल्स। आखिर क्योंकि यार इसमें अब देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी और पानी का काम है, तो आपको देखना होगा कि कंट्रोल सिस्टम इसका कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है, इजी कंट्रोल है या थोड़ा टफ कंट्रोल है, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। चौथा, वॉश प्रोग्राम्स। यार ये आपने फैक्टर शायद वॉशिंग मशीन्स में सुना होगा, लेकिन मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ। वॉश प्रोग्राम्स जनरली डिशवॉशर्स में इस तरह से होते हैं कि आपको कोई भी जैसे बर्तन वगैरह धोने हो तो किस तरह की क्लीनिंग कर रहा है, क्या वो पूरी तरह क्लीन कर रहा है, क्या वो सिर्फ गंद हटा रहा है और कुछ नहीं कर रहा, क्या वो पूरी तरह रगड़ के क्लीन कर रहा है, क्या वो हॉट वाटर से क्लीन कर रहा है, क्या वो कूल वाटर से क्लीन कर रहा है, क्या वो 4 घंटे लगा के क्लीन कर रहा है या 1 घंटे में मिनी वॉश कर रहा है। ये सारे अलग अलग वॉश प्रोग्राम्स होते हैं और अलग अलग डिशवॉशर्स में अलग अलग तरह के वॉश प्रोग्राम्स आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइकिल टाइम। साइकिल टाइम यानी वॉशिंग साइकिल टाइम, यानी कि कितना टाइम लगेगा आपके बर्तन को धुलने में। जनरली रेंज करें तो कहीं डिशवॉशर्स 1.5 घंटे में बर्तन धो देते हैं, हो सकता है वो छोटा हो तो और जल्दी धो दे, कहीं बड़े वाले जो होते हैं उसमें अगर बहुत सारी डिश हो तो वो ज़्यादा टाइम लगाते हैं धोने में, लगभग 3 घंटे भी लग सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है फिल्टर एंड नॉइज़ का। फिल्टर एंड नॉइज़ गाइस ऐसे कंसिडर किया जाता है कि जो मैनुअल फिल्टर वाले डिशवॉशर्स हैं ना, वो जनरली आपके बर्तन तो धो देते हैं लेकिन शायद सुखाते नहीं है, तो उनमें एडवांटेज ये होता है कि वो शोर कम मचाते हैं। लेकिन जो ऑटोमेटिक डिशवॉशर होते हैं जो पूरी एंड टू एंड क्लीनिंग आपको करके देते हैं, उसमें थोड़ा शोर ज़्यादा मचता है लेकिन आपको कंफर्टेबल वो ज़्यादा पड़ता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने कंसिडर किए बिफोर बाइंग दीज डिशवॉशर्स। अब हम चलते हैं सीधा मेन मुद्दे की तरफ, जो कि है 5 बेस्ट डिशवॉशर्स दैट यू कैन बाय इन 2023। तो नंबर 5 पे गाइस आ रही है गोदरेज की ईऑन डिशवॉशर। यार ये डिशवॉशर इज परफेक्ट फॉर इंडियन फैमिलीज, इंडियन सेटिंग के हिसाब से दिस इज परफेक्ट। 3 से 4 लोग अगर आपकी फैमिली में है तो दिस इज वेरी गुड वॉशिंग मशीन। इसमें आपको मिलती है 8 प्लेस सेटिंग्स,
इसका मतलब यह है कि आप इसमें लगभग 80 से 90 के बीच में वेसल्स रख पाएंगे। 80 से 90 ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द साइज, अगर आपका साइज बहुत बड़ा है बर्तनों का है, तो शायद कम वेसल्स रख पाए, लेकिन अगर साइज आपका मिड साइज या छोटी है तो ज्यादा वेसल्स रख पाएंगे। तो 8 प्लेस सेटिंग्स 80 से 90 वेसल्स लगभग रख लेती है, विच इज अ गुड इनफ साइज आई फील। इसमें आपको मिलते हैं 7 वॉश प्रोग्राम्स, यानी कि 7 अलग अलग तरह के वॉश प्रोग्राम्स आपको इस मशीन में मिलते हैं। और इसके अलावा इसमें एंटी बैक्टीरियल मेथड ऑफ क्लीनिंग भी है, तो 99.9% ये लोग क्लेम करते हैं कि बैक्टीरिया एंड जर्म्स आपकी प्लेट से हटा देते हैं। इसके साथ साथ आपको 2 साल की वारंटी भी मिलती है। इसका साइज भी काफी कॉम्पैक्ट है, तो आप आराम से अपने घर में रख सकते हैं। इसके अलावा इट इज अ वेरी सिंपल टू यूज मशीन गाइज, इसमें सिर्फ 3 स्टेप क्लीनिंग है। जी हाँ, 3 स्टेप्स में आपके पूरे बर्तनों को ये आराम से धो देते हैं। इसमें आपको बिल्ट इन हीटर भी मिलता है और बहुत इफेक्टिव ड्रायर भी मिलता है। इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 21,790 की, विच इज क्लोजली अबाउट 22,000। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर लीजिए। एंड आई फील अगर आपकी फैमिली में 3 से 4 लोग हैं और आपको बार बार बर्तन धोने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आई फील दिस कैन बी अ ग्रेट टूल, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलता रहेगा, प्लस गोदरेज की क्वालिटी तो है। कमिंग टू द नेक्स्ट डिशवॉशर, ये है फेबर की 12 प्लेस सेटिंग डिशवॉशर। गाइज ये बहुत स्पेशियस डिशवॉशर है। गाइज 12 प्लेस का मतलब हो गया लगभग 130 के आसपास आप बर्तन रख सकते हैं, तो ये बहुत वाइड है। आप इसमें ऑलमोस्ट सारे घर के बर्तन रख सकते हैं मेरे हिसाब से तो, और आराम से आप इसमें धो सकते हैं। इसमें चाइल्ड लॉक और चाइल्ड प्रोटेक्शन भी मिलती है, तो आपका बच्चा भी बिल्कुल सेफ रहता है, वो गलत तरह से इसे यूज नहीं करता। ऑल्सो इसमें रिमूवेबल रैक है, यानी कि आप अपना रैक वगैरह रिमूव कर सकते हैं, आराम से बर्तन निकाल सकते हैं। आपको रैक का कुछ और यूज करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। प्लस दिस इज वेरी वेरी एनर्जी एफिशिएंट डिशवॉशर, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा कम कंज्यूम करता है। इसमें आपको पावर कंट्रोल बटन भी मिलते हैं, तो आप इसमें अपने डिशवॉशर को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितनी पावर यूज करनी है। प्लस इसमें आपको 6 वॉश प्रोग्राम्स भी मिलते हैं, पिछले वाले से एक कम जरूर है, लेकिन इतनी स्पेस आपको दे रहा है कि आप बहुत सारे बर्तन एक साथ धो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसके रैक्स रिमूवेबल है, सिर्फ वही नहीं, इनफैक्ट इसके रैक्स फोल्डेबल और एडजस्टेबल भी हैं। इसके साथ साथ आपको इस पे 2 साल की वारंटी मिलती है प्रोडक्ट पे, और 5 साल की वारंटी मिलती है रस्ट होने पे, तो ये लगभग आपको 7 साल की वारंटी दे देता है 2+5। इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 25,990 की, लगभग अगर लगाया जाए तो 26,000 का ये प्रोडक्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर लीजिए। और मेरी एडवाइस ये रहेगी कि अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं या काफ़ी ज़्यादा बर्तन यूज़ होते हैं, तो आपको ये वाला लेना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा है और बहुत सारे बर्तन आप एक साथ धो सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट डिशवॉशर ऑफ टुडे, वो है वोल्टास का बेको 8 प्लेस डिशवॉशर। गाइज ये भी बहुत सही डिशवॉशर है, क्योंकि ये पोर्टेबल है। ये सबसे छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा धमाका है, क्योंकि ये 8 प्लेस सेटिंग वाला है, यानी कि आप इसमें लगभग 80 आसपास बर्तन रख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये इतना छोटा है, इतना पोर्टेबल है कि आप इसे कहीं भी कैरी भी आसानी से कर पाएंगे। इसमें वाटर हीटर टेक्नोलॉजी भी है, तो इसका मतलब ये लगभग 70 डिग्री तक आपके वाटर को गर्म कर सकता है, ताकि आपका कोई भी बैक्टीरिया बिल्कुल ना बचे आपके बर्तनों पर। लेकिन इसमें एक बहुत खास फीचर जो ये है कि इसमें 30 मिनट्स में आपके बर्तन विदाउट ड्राइंग ऑब्वियसली बहुत अच्छे से फटाफट साफ करके आपको दे सकता है। इसमें आपको मिलेंगे 6 वॉश प्रोग्राम्स, यानी कि 6 अलग अलग तरह से अपने बर्तनों को आप धो सकते हैं। इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 21,990। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लीजिए, लगभग 22,000 का ये भी है, एंड इट इज वेरी पोर्टेबल एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। कमिंग टू द नेक्स्ट डिशवॉशर, ये है बॉश का नाम तो आपने सुना ही होगा, 13 प्लेस डिशवॉशर। गाइज ये बड़ी फैमिलीज के लिए बहुत अच्छा है। 13 प्लेस का मतलब हो गया लगभग 130 से 140, 150 के आसपास के बर्तन एक बारी में धो सकते हैं। लेकिन सिर्फ वही बात नहीं है, इसमें ना एक अलग कंपार्टमेंट है सिर्फ चम्मचों और आपके जो छोटे छोटे बर्तन हैं उनको धोने के लिए, जैसे फोक हो गए, चम्मच हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन जैसे बर्तनों के लिए एक अलग सेक्शन है जो ये अलग से बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी से धोता है। इसके अलावा इसमें इतनी स्पेस है कि आप घर के सारे बर्तन रख सकते हो, बड़ा छोटा मोटा सब कुछ, और ये आराम से धो के दे सकते हैं आप। इसमें एक्वा सेंसर और लोड सेंसर टेक्नोलॉजी भी है, विच मीन्स
कि एक्चुअली ये मशीन आपके बर्तनों को देखती है कि इसमें कितने बर्तन हैं, कितने वो गंदे हैं, किस साइज के हैं, और उसको एस्टिमेट करके आपको बताती है कि इसको धोने में इतना टाइम लगेगा। इसका मतलब अगर आप छोटे छोटे बर्तन रखेंगे ना तो शायद ये कम टाइम लगाए, लेकिन बड़े बर्तन रखेगा तो ज़्यादा टाइम लगाएगा। ये बिल्कुल कैलकुलेटिवली अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके, सेंस करके आपको पूरे एंड टू एंड बर्तन धो के देता है। इसके अलावा इसमें इको साइलेंस ड्राइव मोटर भी है, तो ये पावर भी बहुत कम यूज करता है एज कम्पेयर टू कोई और मशीन जो इतना काम करे तो यूज करेगी। इसके आपको 2 साल की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है और 10 साल की इनर टब की रस्ट थ्रू वारंटी मिलती है, यानी कि अगर उस पर रस्ट वस्ट लग जाए तो उसकी 10 साल की वारंटी है गाइस, विच इज अ लॉट। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये थोड़ा प्रीमियम प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आपके घर में बर्तन वगैरह बहुत यूज होते हैं और आपको कटलरी वगैरह भी आपके घर में बहुत लगती है तो दिस इज अ परफेक्ट मैच फॉर यू। इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 42,990 की, यानी कि लगभग 43,000 की। होपफुली थोड़ा प्राइस इसका गिर जाएगा सेल वगैरह में तो आप तब जाके ले भी सकते हैं, लेकिन अभी इसका बेस्ट प्राइस यही है और मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके चेक कर लीजिए। कमिंग टू द लास्ट डिशवॉशर ऑफ टुडे, ये है एलजी का 14 प्लेस सेटिंग्स डिशवॉशर। गाइस दिस इज ह्यूज, ये जॉइंट फैमिलीज वगैरह के लिए परफेक्ट है, परफेक्ट। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या किसी को जानते हैं जो जॉइंट फैमिली में रहता है, उनको प्लीज ये रेकमेंड करिए, क्योंकि दिस इज बैंग ऑन, इतनी लाइफ आसान बना सकता है गाइज ये, क्योंकि ये 14 प्लेस लगभग आप इसमें 160-170 तक भी बर्तन फिट कर सकते हैं अगर वो डिसेंट साइज के हुए। इसमें आपको 9 तरह के वॉश प्रोग्राम्स मिलते हैं जो कि बहुत रेयरली किसी डिशवॉशर में है, लगभग 6-7 की एवरेज ही होती है, इसमें 9 मिलते हैं अलग अलग तरह के वॉश प्रोग्राम्स। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी वैरायटी ऑफ वॉशिंग और क्लीनिंग आपको मिलती है। मैंने जितने भी डिशवॉशर्स देखे ना गाइज, ये उन सब में सबसे कम नॉइस करने वाला मिला है मेरे को तो पर्सनली, स्पेशली इस रेंज में। आप सोचिए 14 प्लेस का डिशवॉशर इतने बड़े बर्तन धोने के बावजूद इतनी कम नॉइस करता है, विच इज फैंटास्टिक। इनफैक्ट मेरे को तो लगता है जो मिक्सी की आवाज़ होती है ना वो भी शायद इससे ज़्यादा तेज़ हो, लेकिन इसकी आवाज़ एक्चुअली बहुत कम होती है। इसमें आपको ट्रू स्टीम टेक्नोलॉजी और क्वाड वॉश भी मिलता है, इसका मतलब अगेन इट हैज़ ग्रेट सेंसरी फीचर कि आपकी पूरी नीड के हिसाब से ही ये धोता है। अगर आप ज़्यादा बर्तन रखेंगे तो ये ज़्यादा उस हिसाब से टाइम लगाएगा, ज़्यादा पानी यूज़ करेगा, लेकिन अगर आप कम बर्तन रखेंगे तो ये कम पानी यूज़ करेगा, आपकी एनर्जी सेव करेगा, विच इज़ अ ग्रेट ग्रेट टेक्नोलॉजी टू हैव। ये बॉइलिंग वाटर यूज करके आपकी एक एक डिश को एकदम चमका देता है गाइज, यही इसकी स्पेशलिटी है कि एकदम एक एक डिश एकदम क्रिस्टल क्लीन होके आती है कि आप सोच भी नहीं सकते कि यार ये तो बहुत सही कर दिया यार। तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो गाइज मैं फिर से कहूँगा कि दिस इज अ बैंग ऑन थिंग टू हैव, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, और आपके घर का बर्तन का सारा काम बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 52,990 की, लगभग 53,000 हो गया। आई नो थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन गाइज अगर आप सोचिए अगर आप ये जॉइंट फैमिली वगैरह में रहते हैं, आप बड़ी फैमिली में रहते हैं, तो उसके लिए ये बैंग ऑन है। कितनी मेहनत बचेगी, कितनी एनर्जी बचेगी, कितना एफर्ट बचेगा इस कॉस्ट में कितने सालों तक। दिस इज़ अ ग्रेट टूल टू हैव एट होम, और मेरे को लगता है कि आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं। आप चेक कर लीजिए जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देके देख लीजिए। तो ये थी आज की 5 बेस्ट डिशवॉशर्स जो आप खरीद सकते हैं 2023 में। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि प्लीज़ अपनी फैमिली नीड के हिसाब से जाके देखिए, एंड आई थिंक एवरीवन शुड हैव अ डिशवॉशर, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कई बार डिशेस साफ वाफ करने में और कितना टाइम कंज्यूम होता है। कई लोग तो मेड्स वगैरह रखते हैं सिर्फ बर्तन धोने के लिए, तो मेरा मानना यह है कि आप एक टूल मशीन रख लीजिए जो कि सालों साल चलती रहेगी और आराम से आप उसमें बर्तन वगैरह धो सकते हैं। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, कॉमेंट करना, हमें बताना फीडबैक में हम और किस पर वीडियो बनाएं। थैंक यू सो मच, बाय।